नमस्कार। आज हम लोग जो गेम देखने वाले हैं वो मर्फी और एंडरसन के बीच हुआ था 1858 में। जब उस दौर में जो सबसे अच्छे प्लेयर थे पॉल मर्फी और एंडरसन, उनके बीच एक मैच हुआ जिनमें से ये एक गेम है। हम लोग क्विकली गेम विंडो की तरफ जाते हैं। e4 c5 नाइट f3 नाइट c6 d4 सी कट डी नाइट कट डी e6। यहाँ पर नाइट बी फाइव खेला व्हाइट ने। नाइट बी फाइव की जगह जो मेन लाइन है वो नाइट c3 नाइट f6 नाइट इनटू c6 टेक्स e5 नाइट d5 नाइट e4। यहाँ पर क्वीन c7 एक एक मूव हो सकती है बिकॉज e5 पे टारगेट है, और अगर आप e5 को बचाते हैं विथ f4 तो क्वीन b6 आ सकता है जिसमें नाइट e3 आ रहा है, आप देख सकते हैं। तो इसको रोकने के लिए व्हाइट कैन प्ले e4। अगर आप किंग टू सॉरी नाइट टू e3 खेलते हैं तो क्वीन d3, और ये एक वेरिएशन पॉपुलर है। तो इस पर्टिकुलर लाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं था एक्चुअली व्हाइट को, लेकिन व्हाइट ने नाइट b5 खेला जो कि एक साइड लाइन है। d6 बिशप f4 e5 बिशप e3 f5। हियर एक्चुअली जो मेन लाइन है वो है नाइट f6 bg5 e6 बिशप e6 नाइट 1 c3, और यहाँ पर बहुत ही स्टार्टिंग पोजिशन है जो कि व्हाइट खेल सकता है ये। बट ब्लैक ने 7th मूव पे बिशप e3 के बाद f5 खेला जो एक्चुअली थोड़ा डुबियस है, लेकिन हम गेम में आगे देखते हैं कि इसके आगे कैसे मर्फी ने उसको कंटिन्यू किया। नाइट 1 c3 f4। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मर्फी की डेवलपमेंट जो है वो 3 पीस डेवलप्ड है, और अभी एक थ्रेट है f4 पे। नॉर्मली f पॉन को डील करने के लिए हमको बहुत केयरफुली सोचना चाहिए कि उधर जरूरत है कि नहीं। और मर्फी का जो स्टाइल था कि ओपनिंग में क्विकली पीसेस डेवलप करो और उसके बाद थ्रेड्स जनरेट करो, वो उसमें बराबर जा रहे हैं। सो इवेंट फॉर नाइट d5। यहाँ पर पहला पीस सेक्रीफाइस दिया मर्फी ने f(e3) से। f(e3) के बाद आप देख सकते हैं नाइट c7 चेक आ रहा है, नाइट bc7 चेक। ऑफकोर्स किंग टू d7 नहीं खेल सकते हैं, क्वीन g4 वन मूवमेंट हो रहा है। किंग f7 इज फोर्स्ड, क्वीन f3 चेक। ये मूव बहुत इंपॉर्टेंट था, अदरवाइज अगर आप नाइट इनटू a8 मारते तो e कट f2 किंग कट f2, और शायद एंडरसन ने यही पोजीशन ज्यादा तो सोचा होगा कि ये ऐसा जा सकता है। लेकिन e कट f2 के बाद ये जो किंग कम हुए किंग कट f2 उसको नहीं खेलने के लिए मर्फी ने क्वीन f3 खेला चेक, ताकि अब जब भी e कट f2 आएगा तो क्वीन f2 है और कैसलिंग को कोई इशू नहीं है। नाइट f6 इज फोर्स bc4। डेवलपमेंट जो था वो मर्फी के गेम्स का की पॉइंट था कि ओपनिंग के जो 10 मूव 12 मूव होते हैं उसमें उसका डेवलपमेंट बहुत ही क्विकली वो करने की सोचते थे हमेशा। नाइट d4 यहाँ पर एक्चुअली एक बहुत अच्छा सीक्वेंस आ रहा था। सो ऑफ कोर्स क्वीन इनटू e3 इज नॉट पॉसिबल हियर, क्योंकि क्वीन e3 में नाइट c2 चेक, किंग e2 और नाइट इनटू e3 आ रहे हैं, तो वो पॉसिबल नहीं था। बट आफ्टर नाइट d4 जो मेन थ्रेट था कि बिशप को यहाँ खेलने का पॉइंट ये था कि किंग को डिस्कवर्ड चेक आ सकता है। सो इवेंट फॉर नाइट इनटू f6 एंड d5। इस मूव को समझने के लिए आप एक्चुअली थोड़ा पॉज करके और कोशिश कर सकते हैं कि व्हाट वाज द पॉइंट ऑफ सैक्रिफाइसिंग दिस पॉन, क्योंकि अगर आप d5 पॉन की बात करें तो आप देख सकते हैं कि कैसे मर्फी ने उसको डील किया, और डेफिनेटली उस पोजीशन में एंडरसन का क्या मेन आइडिया था कि उसने d5 खेला। तो हम लोग गेम में देखते हैं कि क्या हुआ आगे, क्योंकि उस वक्त एक वेरिएशन आ रहा था जिसमें हम लोग पहले विदाउट d5 देख लेते हैं कि क्या सीक्वेंस था जिसमें d5 की जरूरत थी। सो आफ्टर नाइट f6 इंस्टेड ऑफ d5 अगर किंग g6 खेला रहता तो यहाँ पर एक वेरिएशन था जिसमें क्वीन h5 किंग f6 नाइट e8, और यहाँ पर ऑफकोर्स किंग e7 नहीं जा सकते क्योंकि इधर मेट हो रही है। सो क्वीन e8 क्वीन इनटू e8, और इस क्वीन सेक्रीफाइस के पीछे पॉइंट ये था कि अब जब आप d5 देंगे, और अगर वाइट ने d5 बिशप इनटू d5 अब मारा तो बिशप b4 चेक और क्वीन पे इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है। सो इस पर्टिकुलर मूव को खेलने के लिए d5 इतना बात, बिकॉज इस वक्त अगर d5 खेलते तो फोर्स नहीं है मारना। सो दैट वॉज द रीजन कि क्यों 13th मूव पे d5 खेला ब्लैक ने उधर। आफ्टर नाइट f6 d5 बिशप इनटू d5
किंग जी सिक्स। यहाँ पर एक्चुअली जो ओनली मूव था वो किंग ई सेवन था, जिसमें फिर भी थोड़ा चांस था एक्चुअली कंटिन्यू करने का, लेकिन किंग जी सिक्स वॉज मिस्टेक। मुझे लगा एक्चुअली शायद वो जो ट्रिक क्रिएट किया था एंडरसन ने, उसी के लिए वो गए और किंग ई सेवन को कंप्लीटली उन्होंने नहीं खेला उधर। सो किंग ई सेवन में हम देखते हैं कि क्वीन एच फाइव एक बहुत अच्छा चांस था और नाइट जी एट भी आ रहा है। नाइट जी एट, किंग डी सिक्स, क्वीन एफ सेवन, देन नाइट इन टू सी टू, किंग एफ वन, बिशप जी फोर। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग वेरिएशन था एक्चुअली। ये ब्लैक के लिए प्लेएबल भी हो सकता था, लेकिन इसमें भी किंग एक्सपोज्ड है तो डेफिनेटली पोजीशन अनक्लियर ही मानेंगे हम। बट इन द गेम उन्होंने किंग जी सिक्स खेला और यहाँ पर क्वीन एच फाइव चेक आया, किंग एट। अब आप नाइट ई एट चेक नहीं दे सकते, बिकॉज हमने ऑलरेडी देख लिया है कि इसमें क्वीन इन टू मार के बिशप बी फोर चेक आ रहा है, सी थ्री को रुक इन टू ई एट आ रहा है। सो डेफिनेटली दैट वॉज द आइडिया कि उन्होंने डी फाइव खेला था 13th मूव पे। आफ्टर एफ ई थ्री यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस मूव को एक्चुअली हमको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा कि क्यों मर्फी ने वहाँ पे एफ ई थ्री मारा, बिकॉज इट वॉज इम्पॉर्टेंट कि आपके जो बचे हुए जो पीसेस हैं, जो आपके रिमेनिंग पीसेस हैं, वो हम गेम में लाएं। मेरा नॉर्मली मैं हमेशा जब भी कोई क्लास में हम लोग बात करते हैं तो एक सिंपल रूल से हम डेवलपमेंट की बात करते हैं कि वर्स्ट पीस फर्स्ट। मतलब आपके जो वर्स्ट पीस हैं, आपके जो गेम में ऐसे पीस हैं जो कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, उनको आप कोशिश करो कि गेम में लाएं। दैट वॉज द आइडिया कि आफ्टर किंग एफ सिक्स यहाँ पे एफ इन टू ई थ्री मारा, बिकॉज एफ इन टू ई थ्री के बाद आप देख सकते हो द आइडिया इज वेरी क्लियर कि ये जो फोर्थ पीस है, मतलब वन टू थ्री, तीन पीस ऑलरेडी अटैक कर रहे हैं। एक यूट्यूब पे एक कैलकुलेशन के ऊपर गैरी कास्परोव का एक बहुत अच्छा वीडियो अवेलेबल है, जब वो अपना गेम एनालिसिस करके बता रहे हैं कार्पो के साथ जो हुआ था उन्होंने, उसमें जो शायद 8 या 10 मिनट का वीडियो है, उस वीडियो में बहुत ही अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि कैसे कैलकुलेशन में क्या क्या चीज़ें ध्यान रखते हैं, और बहुत ही शानदार वीडियो अवेलेबल है, वो आप सर्च कर सकते हैं। एफ इन टू ई थ्री मारा इसमें वाइट ने नाइट सी टू, और ऐसे वक्त जब जब पता है कि पोजीशन में कोई रिसोर्स नहीं है अपोनेंट के पास और आपको चेक है, तो आपको सिर्फ किंग के लिए एक ऐसी प्लेस ढूंढनी पड़ती है जहाँ पे नो चेक सिचुएशन हो और कोई और ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है। सो किंग ई टू इज़ वेरी इजी हियर, और किंग ई टू के बाद आप देख सकते हैं कि कोई भी चांस नहीं बचा है ब्लैक के पास। यहाँ पर एंडरसन ने रिजाइन कर दिया था किंग ई टू के बाद 17th मूव पे, लेकिन हम क्विकली देख लेते हैं कि एक्चुअली हो क्या रहा था। किंग ई टू के बाद अगर आप नाइट ए वन मारते हैं तो रुक एफ वन चेक, किंग ई सेवन, क्वीन चेक, किंग डी एट, ऑलमोस्ट सभी मूव जो है वो फोर्स्ड ही है। बिशप ई सिक्स चेक, क्वीन ई सिक्स नहीं दे सकते, सी सेवन हैंगिंग है। बिशप ई सिक्स चेक, किंग सी सिक्स, रुक सी वन चेक, नाइट सी टू, ठीक है, एक मूव बढ़ाने के लिए हम खेल सकते हैं, अदरवाइज वैसे ही मेट हो रही है। नाइट सी टू, रुक इन टू सी टू, किंग टू बी सिक्स, एंड फाइनली आफ्टर क्वीन बी फाइव गेम इज ओवर। सो यहाँ से बहुत अच्छी बात थी जब कि मर्फी ने जब एफ इन टू ई थ्री मारा था, तो ये मेट ऑफकोर्स देखा होगा, इसमें फोर्स मेट मेट हो रही है। ये 9th गेम था और ये जो चैम्पियनशिप थी ये मर्फी ने बहुत ही कन्विंसिंगली जीत लिया था। उसके बाद एंडरसन ने भी बोला था कि नहीं, मर्फी मुझसे अच्छा प्लेयर है। सो इसके बाद बहुत सारे और प्लेयर्स आए तो हम उनको भी कवर करेंगे। बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय।